साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे इजी स्टडी फार्मेसी, जिस पे डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिसिन से कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिसिन कैरियर से रिलेटेड, आप हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका कमेंट जरूर करूँगा, या फिर अगर अच्छा क्वेश्चन होता है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूँ। साथियों माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करके हॉस्पिटल की जो ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका हॉस्पिटल का ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों बहुत से विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर भी देता हूँ। साथियों अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है, सर डी फार्मा जिस साल कंप्लीट होता है उसी साल रजिस्ट्रेशन करा के गवर्नमेंट जॉब निकलने पर अप्लाई किया जा सकता है क्या, प्लीज कुछ बताइए। साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपकी समझ में भी आ गया होगा कि विद्यार्थी का कहना ये है कि जिस साल डी फार्मा किया है, रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर जॉब आती है तो अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब उसका यह है कहीं सीनियरिटी या किसी तरह का एक्सपीरियंस या इस तरह का कोई इशू तो नहीं है, मुझे जो लगता है। साथियों मैं सबसे पहले यह बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा। साथियों डी फार्मा क्या होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, 2 ईयर का होता है। साथियों 3 मंथ की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है। ये क्या होता है, क्लिनिकल में मैप होता है। जितने भी हॉस्पिटल देखेंगे, जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, CSC, PSC, एडिशनल PSC और 100 बेड होता है, संयुक्त चिकित्सालय है, ऑटोनॉमस बॉडी है, PGI है, KGMC है, एम्स है। साथियों उसके साथ साथ क्या होता है, HL है, रेलवे है, CRPF है, और क्या होता है कि BSF की जो है पुलिस है, आर्मी है। कहीं भी देखेंगे जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट होता है वो डी फार्मा ही होता है, बी फार्मा नहीं होता है। साथियों केंद्र की एक ESI की जॉब है, उसमें क्या होता है कि बहुत सी एसोसिएशन की लड़ाई के बाद, बहुत सी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अलाउ कर दिया है कि डी फार्मा बी फार्मा जो भी फॉर्म भरेगा और उसमें जो पास आउट होगा हम उसको जो है फार्मासिस्ट की जॉब दे देंगे। अदरवाइज अभी भी यूपी चिकित्सा में जो है ऐसा जियो है कि हम लोग क्लिनिकल में मैप है, जहाँ पे ड्रेसिंग, दवा का रखरखाव, दवा का वितरण और दवा की डोज तक की बताने का काम डी फार्मा फार्मासिस्ट का है, और वो जो है उसमें जॉब लगती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। साथियों बी फार्मा जो होता है वो इंजीनियरिंग में मैप है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, साथियों इसमें क्या होता है, आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन को अपग्रेड करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, डी फार्मा को टीच कर सकते हैं, बी फार्मा को टीच कर सकते हैं, और अगर PhD लेवल का आप पढ़ाई करते हैं तो एम फार्मा को टीच कर सकते हैं। साथियों प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं, जहाँ पे फैक्ट्री में बहुत से डिवीजन है, मॉलिक्यूल की रिसर्च हो रही है, साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल है, टैबलेट कोटेड फॉर्म है, कैप्सूल की फॉर्म है, सीरप बेस कैसे बनता है, ग्रेन्यूल्स है। साथियों उसमें क्या है, प्रोडक्शन में आप जाएंगे उसमें, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अगर होते हैं तो जो है आप जॉब कर सकते हैं। या फिर साथियों बैचलर डिग्री है, अगर आप किसी और भी संस्था में जाएंगे, जैसे रेलवे की जॉब निकली है, इफ्को की जॉब निकली है, ऑफिशियली है, क्लेरिकल है, या उससे अपग्रेड है, ऑफिसर रैंक की है, बहुत से अब तो ये हुआ है कि ग्रेजुएशन करके बहुत से लोग तो BEd कर ले रहे हैं, BTC कर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है आप जो है प्रोडक्शन में और उसमें ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, पर हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा ही जरूरत है। साथियों विद्यार्थी का जो क्वेश्चन है कि उसी साल कंप्लीट अगर होता है रजिस्ट्रेशन हो तो क्या भर सकते हैं, यस आप जरूर जॉब के लिए भर सकते हैं। इतिहास गवाह, बहुत बार ऐसा हुआ है कि पर्सन पास आउट होकर निकला और उसने क्या हुआ, एंट्रेंस एग्जाम दिया। लेकिन साथियों एक चीज़ बताऊँगा, डी फार्मा और बी फार्मा के केसेस में क्या होता है कि जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ग्रीन बुक मिल जाएगी, तभी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप 4 साल के पुराने फार्मासिस्ट हैं, आप फ्रेशर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी है कि ओनली द हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मेसी विद रजिस्ट्रेशन, ग्रीन बुक एंड रजिस्टर्ड नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उसमें जो है अप्लाई करेंगे, अगर आप क्लियर करते हैं तो आप जो है जॉब लग जाएगी, आप जॉब कर सकते हैं। तो साथियों बहुत पहले ऐसा होता था कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट बहुत कम होते थे, अभी क्या हुआ कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ कि डी फार्मा बी फार्मा के इतने कॉलेज हो गए हैं, इतने विद्यार्थी हो गए हैं। नहीं तो बिलीव करिए, जब मैं पढ़ के आया था बेंगलोर से
तो दैट टाइम साथियों एक हफ्ते के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था साथियों, कुछ भी दिक्कत नहीं। जैसे अप्लाई किया उसका वेरिफिकेशन एवरीथिंग होने के बाद, तो बहुत कम फार्मासिस्ट थे, तो क्या होता था कि जॉब ऑटोमेटिकली लगता था, वैकेंसी निकलती थी, लोग कम पड़ जाते थे। अभी क्या है कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा फोकस कम है, और फोकस है भी तो उसमें क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा हैं। वैकेंसी मान लो 100 निकली है और 1-2 लाख लोग अप्लाई कर दे रहे हैं, तो उसमें कैसे लगेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर प्रतिभा, कैलिबर, आपके अंदर नॉलेज है, आपकी जो है स्किल है, और आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपकी तुरंत जॉब लगेगी। जिस साल आपने कंप्लीट किया, जिस साल आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद जॉब लगेगी। बहुत सी ऐसी जॉब हैं साथियों, विद्यार्थी हमारे अंडर में पढ़ के जाते हैं और हमको फ़ोन करते हैं कि सर आई एम सेलेक्टेड इन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल। तो हमने कहा कैसे, हाउ? उसमें कहते हैं कि सर डी फार्मा करके जो है उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी, हॉस्पिटल में दवा बांटना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, देखना है दवा की डोज। लेकिन उसमें जो है क्या हुआ, उनका क्राइटेरिया होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने के बाद उनका फिजिकल होगा, एकदम पुलिस की जैसे पुलिस की भर्ती होती हूबहू वैसे होगी। आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी, 42 के स्केल से स्टार्टिंग है जॉब, और उसमें जो है रिवॉल्वर मिलती है और स्टार 2 मिलते हैं। तो कहने का मतलब है वो तुरंत पास आउट हुए लग गए, क्योंकि उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पास करेगा वो लगेगा। तो साथियों ये दिल से निकाल दीजिए कि आप जूनियर हैं या सीनियर हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेगा उसका जॉब लगेगा, जिसके अंदर प्रतिभा है उसका जॉब लगेगा, आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। साथियों बहुत सी जॉब निकलती हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाता हूं और भेजता भी रहता हूं। आप हमारा नियमित अगर यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं मैं वैकेंसी के बारे में ज़रूर बताता हूँ। अदरवाइज़ हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ईजी स्टडी फार्मेसी, एंड FB पेज भी है हमारा ईजी स्टडी फार्मेसी, एंड डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नाम से हम FB पे भी मिलते हैं, एंड ट्विटर पे भी हमें आप सर्च करेंगे हम आपको मिलेंगे। साथियों किसी तरह की क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। साथियों नमस्कार।